पठाना कोट राधा कृष्ण की हदूद में बढ़ती हुई डकैती और राहजनी की वारदातों से शहरी सरापा एहतजाज। थाना कोट राधा कृष्ण की हदूद में नॉन स्टॉप डकैती की वारदातें जारी, डाकू दिन दहाड़े और सर शाम आवाम को लूटने लगे। डकैतियों का यह सिलसिला कई रोज से जारी है और आवाम शदीद खौफो हरास में मुबतला है। शहरी डाकुओं के रहमो करम पर है। शहरियों का कहना है कि इनका इस सिलसिले में कोई परेशान हाल ना है। पुलिस भी खमोतमाशाही बनी दिखाई दे रही है और पुलिस थाना कोट राधा कृष्ण की कार्रवाई भी सिर्फ थाने की चार दीवारी तक ही महदूद रह गई है। पुलिस की जानब से अवाम की जानो माल का तहफ्फुज़ ना होने और बर वक्त कार्रवाई ना करने पर शहरियों ने आज हंदाल चौक रायवंड कोट राधा कृष्ण रोड को टायर जलाकर ब्लॉक कर दिया और बढ़ती हुई वारदातों की वजह से पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। कैमरा रिपोर्टिंग टीम के साथ सिटी रिपोर्टर अबू सुफियान भट्टी, 29 न्यूज, कोट राधा कृष्ण, कसूर। क्लियर होते हैं। ये मुश्किल होने वाली बात है यार, जब मैंने कह दिया है, मुकदमा नंबर बता दिया है, एप्लीकेशन है नहीं और सारे पढ़े लिखे पड़े और फिर बहस की जाए, कुछ जस्टिफिकेशन तो होना है। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि यहाँ पे डीपीओ आए, कोई और बंदा ना आई, ये पुलिस मुलाजमी चले जाए यहाँ से, इनकी बात कोई नहीं सुनेगा और ये रोड बंद रहेगी जब तक डीपीओ खुद नहीं आएगा। हमारा लड़का उधर हॉस्पिटल में पड़ा है, आधा किलोमीटर भी थाने से सफर नहीं है और पुलिस से पूछ लो कितने बजे आई है, ये जी 6-7 दिन हो गए लगातार एक ही जगह पे वारदात हो रही है और SHO को सब पता है और SHO कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। SHO को कार्रवाई करनी चाहिए और हमें बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये नाअहल SHO है जो जिसने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, कोई डकैत भी नहीं पकड़ा और उसको सब मालूम है। रात भाई को गोली लगी है, गोली लगने तो फायरिंग हो रही है, गोली लगने के एक घंटे बाद पुलिस आई है वो भी हॉस्पिटल में और कार्रवाई किए चली गई वापस, किसी ने नहीं पूछा कि किसको भाई को क्या हुआ है, भाई मर रहा है या जी रहा है, वो हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी मौत से लड़ रहा है, कौन उस जवाब देने वाला, कौन है उसका, कौन देगा ये जवाब देगा, इसका भाई किसको मिलेगा। SHO कहता है कि या तो तब्दील हो जाए, हमारे भाई दे वापस दे दे, सही सलामत भाई चाहिए हमें। SHO साहब जहाँ भी आते हैं आकर बोलते हैं जी ये जी हमारे पास अलादीन का चिराग नहीं है, आपके पास अलादीन का चिराग नहीं है तो ये वर्दी है आप क्यों पहनी हुई है, कफन है आपके पास अलादीन का चिराग नहीं है, यहाँ पे राय नासर अब्बास SHO रहकर गए उससे कुछ क्लास लेने, किस चीज का आपने क्लास ली है, किस चीज की आपने वर्दी पहनी हुई है अगर आपके पास अलादीन का चिराग नहीं है। ये वारदातें जो बढ़ रही है ये सिर्फ आज के बाद जो भी वारदात होगी उसकी FIR SHO साहब के खिलाफ नाम पर काटी जाएगी और हमारा मुतालबा ये जब तक DPO साहब यहाँ पर नहीं आएंगे किसी से कोई बातचीत नहीं की जाएगी, ठीक है, ये पुलिस गर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। SHO साहब आपको घर जाना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा, जुलम हो रहा है ये सब आप करवा रहे हैं, ठीक है। आप कहते हैं हमारे पास अलादीन का चिराग नहीं है, ये वर्दी है, कफन नहीं है आपका, घर जाएं, हम सिक्योरिटी गार्ड रख लेंगे अपने घर के बाहर, एक एक सिक्योरिटी गार्ड रख लेंगे, जो हम अपने टैक्स से आप तनख्वाह ले रहे हैं सब कुछ ले रहे हैं, ये कफन उतारे और घर जाए, आपके आगे हाथ जोड़ते हैं हम महफूज नहीं है DPO साहब। ये जहाँ भी वारदात हो रही है वहाँ तकरीबन पुलिस एक घंटे बाद पहुँचती है, क्यों, जबकि यहाँ तो रोड बंद करो, थाना नहीं है, 10 एकड़ दूर भी थाना नहीं है और यहाँ एक घंटे 1.5 घंटे बाद पुलिस पहुँचती है, जब वो निकल जाते हैं। अलमेवाद ग्रुप और MS ग्रुप इंशाल्लाह हर ना इंसाफी का इंसाफ दिलाएगा, थाना नहीं है, अलमेवाद ग्रुप और MS ग्रुप इंशाल्लाह इंसाफ दिलाएगा, आपको इंसाफ दिलाएगा।